Hello friends, this is Vikas Singh and I welcome you all on our podcast Leaders Lounge. Today we have with us Mr. Saurabh Mantri. Saurabh is a young guy who started his company called LoadMee a few years back, and today he's doing a phenomenal business. So let's talk to him. He has seen the basic struggles of entrepreneurs. दुनिया ये जो बोलती है कि पहले 5 सालों में 80% एंटरप्राइजेस खत्म हो जाती हैं, उन 5 सालों को सौरभ ने अपनी कंपनी को क्रॉस करवा दिया है एंड ही इज एक्चुअली सक्सीडिंग. सो वी कैन सी दैट ही हैज लॉट्स ऑफ करेज एंड लॉट्स ऑफ परसिवरेंस फॉर हिज बिजनेस. Another thing is he comes from the similar kind of background which he chose in the business. तो जो लोग फैमिली बिजनेसेस में हैं उनके लिए सौरभ के लिए कैन बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन, बिकॉज सौरभ ने उस बिजनेस को जिसको बहुत ट्रेडिशनली किया जा रहा था पहले सालों में, उसमें बहुत सारा साइंस, बहुत सारा टेक्नोलॉजी जोड़ा एंड नाउ इट इज ग्रोइंग लाइक लीप्स एंड बाउंड्स. So let's talk about LoadMee and let's talk about Saurabh. And over to you, Saurabh, now. Thank you, Vikas sir, for having me here. First of all, because it's a great pleasure कि आपके साथ मैं share कर रहा हूँ अपनी सारी चीजें आपके channel पर. तो मेरा जो background है वो काफी different रहा है. Means आपने rightly said, it is rightly said कि मेरा family background है transportation का, but I studied hotel management. I was working as a chef in ITC Mumbai. Very nice. और वहाँ से मतलब चूंकि मैं सर्विस इंडस्ट्री में ही था तो सर्विस इंडस्ट्री ज्यादा समझ में आती है. So जब इंदौर आया यहाँ पर भी स्ट्रगल किया काफी सारा. मीन्स my thought और choosing hotel industry was कि मुझे कैटरिंग का बिजनेस या हॉस्पिटलिटी लाइन में कहीं कुछ करना है. और इंदौर मतलब जॉब छोड़ने के बाद मैं इंदौर में एक कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने. समहाउ इट गॉट फेल्ड. वो विद इन 6 मंथ ही मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं हो पाएगा. अच्छा, तो शेफ आल्सो. यस, मतलब शेफ को भी कैटरिंग बिजनेस डिफिकल्ट पड़ा. कैटरिंग बिजनेस के अलग चैलेंजेस थे. मींस इट हैज अ लॉट ऑफ टीम वर्क और पूरा मैनेजमेंट उसमें चाहिए रहता है. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ किचन ओनली. तो जब ग्राउंड पे रियलिटी में बिजनेस में उतरे तो समझ में आया कि ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा. इट्स नॉट अबाउट टेस्ट ओनली. नहीं, यस यस यस, कोऑर्डिनेशन ज्यादा हो जाता है. कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, ये सब चीजें बहुत रिक्वायर्ड है उसमें. तो आई चूज कि कुछ और नया अपन मतलब चूंकि स्टार्टिंग से ही बिजनेस माइंड तो था, बिजनेस ही में ही जाना है. फैमिली भी बिजनेस वाली है तो थॉट प्रोसेस वैसी ही चलती है थोड़ी बहुत. तो आई शेयर्ड माय जर्नी विद फादर की फादर के साथ साथ में उनके शॉप पर ट्रांसपोर्ट की शॉप पर बैठना स्टार्ट किया. सो ही हैज आयरन एंड स्टील और ट्रांसपोर्ट दोनों का बिजनेस है. सर्विस इंडस्ट्री से हूँ तो सर्विस ज्यादा समझ में आई, ट्रेडिंग समझ में नहीं है आयरन स्टील की, इसलिए लॉजिस्टिक्स इजी लगा. और उसी टाइम पे अराउंड 2016 हमारे इंदौर में टेक इमर्ज कर रहा था. सारी चीजें मतलब ओला, उबर, जुगनू, ये सारे कंसेप्ट हमारे सिटी में इंदौर में आना स्टार्ट हुए थे. सो इट क्वाइट एक्साइटेड में कि यार ये जब पैसेंजर मूवमेंट हो सकता है इतना आसानी से मोबाइल पर टैप करने से गाड़ी आ जाती है डोर स्टेप पर. सो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल जो कि सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो सॉल्व हो जाना चाहिए. तो वहीं से मेरा ये आइडिया पिक हुआ और जिस दिन ये थॉट चल रहे थे उसी दिन नाम भी डिसाइड कर लिया था. मतलब नाम भी LoadMee नाम सोचना नहीं पड़ा, बस थॉट में ही LoadMee नाम आ गया था हमारे साथ. वेरी नाइस. तो नाम खुद ही दिमाग में, खुद ही बिजनेस का थॉट आते ही आ गया. हाँ. एंड यू यूज MEE, राइट? MEE तो मतलब जबरदस्ती रखना पड़ गया हमको, बिकॉज सिंगल ME में हमें डोमेन नहीं मिल रहा था .com. अच्छा, LoadMee.com नहीं मिल रहा होगा. LoadMee.com नहीं मिला तो MEE करके .com ले लिया था. एंड हाउ ओल्ड वर यू दैट टाइम? मतलब मैं अराउंड 25 के आसपास के एज का था. अच्छा. हाँ. तो 2-3 साल तुमने मतलब जॉब वगैरह की? हाँ, मैंने 2 साल जॉब की. ओके. एंड आप जॉब करिए आफ्टर लिविंग जॉब. मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया जिसमें पूरा ये पापा के साथ में उनकी शॉप पे बैठ के ट्रांसपोर्ट वगैरह का पूरा सिस्टम समझ रहा था. और वो समझने के बाद में मुझे साथ साइड बाय साइड एमबीए भी चल रहा था, तो आई स्टार्टेड LoadMee विथ माय स्टडीज ऑफ एमबीए इन सेकंड ईयर। एंड यू आर डूइंग एमबीए वेयर फ्रॉम? इन फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ, आईपीएस एकेडमी इंदौर। अच्छा, आईपीएस एकेडमी। इनफैक्ट जब तुम ये शुरू कर 2017 या 16 2016 है ना, 16 में मैं एमबीए भी कर रहा था, साथ में LoadMee पे की वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। इधर टैग चल रहा है तो फर्स्ट आइडिया वाज कि हम टैग बना देंगे, ऐप लाइव हो जाएगी और हमारा गाड़ियां चलने लग जाएंगी। ये बेसिक थॉट प्रोसेस थी। ऐप बनने मालगाड़ी को मालगाड़ी करके एक स्टार्टअप हुआ करता था उस टाइम। हां राइट, डोंट नो यू रिमेंबर इट और नॉट। 2014-15 में इंदौर के दो इंदौर, एक इंदौर का था, एक शायद उधर एनसीआर रीजन का, एक सीएम। They started doing it, and उस टाइम college was late, I believe. College was in 18-19. हाँ, 18-19 में आया उस टाइम मैंने। And here this is a very interesting learning. मालगाड़ी, because मालगाड़ी guys came to us because me, Jai Vijay were running that MF lab and everything. So we were planning to get into angel investments and all. उस टाइम मालगाड़ी के का पिच हमने सुना था एंड वी लाइक द आइडिया, एंटायर आइडिया। एंड मैंने उस पिच को सुनने के बाद, ब्रिलियंट गाइज, बोथ वर ब्रिलियंट गाइज, हाईली क्वालिफाइड गाइज, एंड आई सेड टू विजय कि नहीं इन्वेस्ट करेंगे हम इसमें। उसके बाद एंड व्हाई डिड आई से, बिकॉज आई न्यू कि इतना स्ट्रगलिंग बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इतने सोफिस्टिकेटेड बंदे तो चल ही नहीं सकते। जो मेरा रियलाइजेशन था उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा बर्न किया। एंड विजय कहता यार नहीं यार बहुत टैलेंटेड है, मैंने नहीं चलेंगे। जय विजय बहुत आफ्टरवर्ड्स दे अग्रीड, क्योंकि बहुत बहुत ऑन रोड जो स्ट्रगल है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का वो बहुत टफ है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज। एक होता है डीएनए आपका नहीं मैच करता है कई बार बिजनेस से। आई बी डिडक्टिंग योर जर्नी इन द साइंटिफिक वे आल्सो हियर, so that people who listen this podcast, they understand the science of your success, even if you have never noticed it scientifically, but there was a science of success that was working with you. तो एक तो ये था कि you were genetically like ना पिछला association जो था पिछली जनरेशन का of yours was with that business, तो वो तुमको बहुत सपोर्ट किया। और ये यही मैं बोलता हूँ कि भारत की सबसे वैज्ञानिक परंपराओं में से एक परंपरा थी जाति, जिसको प्रथा बना दिया और फिर वो बड़ी बुरी तरह से रूढ़ी में बदल गई कि जो ज्ञान आपको आपके परिवार से मिलता है वो धीरे 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 आपके अंदर रिस जाता है, इट गोज टू योर सेल्स। और उस वजह से आपको बहुत सारे स्ट्रगल उस बिजनेस में नहीं होते जो दूसरे बहुत ब्रिलियंट लोगों को भी होते हैं। तो दैट वाज योर फादर वाज सबकॉन्शियसली योर बिगेस्ट सपोर्ट। From childhood, he was subconsciously feeding in my mind कि ऐसे गाड़ियाँ चलती है। Even I remember my childhood के हम लोग दिवाली पे गाड़ियों की पूजा करने जाते थे। So ट्रक्स खड़े हुए लाइन पे हम पूजा कर रहे हैं। So it was like कि मैं familiar हूँ ट्रक्स से, ट्रक ड्राइवर्स से, इस पूरी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं बचपन से familiar है। हाँ, उनकी लैंग्वेज, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनकी jargons, उनका वे ऑफ डीलिंग थिंग्स, उनके चैलेंजेस, वो सब पहले से पता होते हैं उन बच्चों को जो उधर से आते हैं। इसलिए फैमिली मैनेज बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं, हमेशा से चला रहे हैं और हमेशा चलाएंगे, बिकॉज दैट बिकम्स इजी। साइंटिफिकली वो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा एक और केस है तुम्हारे ही साथ, तभी वो सुनेगा तो मेरे को गाली बकेगा। मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज दीपक गोयल, ही रन्स वंदना रोड लाइन्स। वंदना रोड लाइन्स में मतलब वो ट्रांसपोर्ट का धाकड़ है, मतलब बहुत हार्डकोर ट्रांसपोर्टर है और उसको सब आता है ट्रांसपोर्ट का, ऊपर नीचे का। ऑन रोड वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब इन फील्ड उसके जैसा काम करना बहुत आसान नहीं है। बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है और ब्रिलियंट है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट है। बट प्रॉब्लम उसके साथ ये हुई, दूसरी तरफ से प्रॉब्लम हुई जो मालगाड़ी वालों के साथ हुई, उसके जस्ट अपोजिट एक प्रॉब्लम हुई थी उसके साथ। And that was कि वो he was not ready to shift towards technology. Okay. And he was very very slow and very skeptical. Like वो 20-25-50 लाख रुपया जो लगाने की जरूरत पड़ती, जो कि उसके पास था, बहुत आसानी से अरेंज कर सकता था वो, अगर वो वहाँ उसमें प्ले कर जाता तो he could have succeeded like anything. और and this is the thing that you have come in between. पढ़ाई भी है तुम्हारे पास, साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ भी है, एमबीए भी कर लिया है, एक्सपोजर भी है दुनिया का, एंड यू हैव द ट्रांसपोर्टेशन का बैकग्राउंड, सो दैट रियली हेल्प यू इन सक्सीडिंग. कभी गौर से घर पे बैठ के सोचना, यू विल फाइंड आउट मेनी थिंग्स. 100% मतलब आपने इतनी सारी इनसाइट्स जो दी है कि जो बैकग्राउंड को पूरे सारी लिंक्स जो मैच करी है, मेरे हिसाब से वो ही मुझे हेल्प करी पूरा इस बिजनेस को अभी इस लेवल पे पहुंचाने में. काफी सारा स्ट्रगल फेस किया हुआ है इनिशियल डेज में. देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैड अ बेनिफिट ऑफ, दैट वाज योर फ्रेंड अब्देली हु इज हैंडलिंग द एंटायर टेक पार्ट. बिकॉज़ जो ट्रांसपोर्टर बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके पास में बैकग्राउंड भी है, वो जब किसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी से या किसी आईटी कंपनी से बनवाने जाते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो पैसा बर्न कर कुरा के 5-10 लाख रुपया और फिर बैठ जाते हैं, बोले सब आईटी कंपनी वाले बदमाश है, कोई भी नहीं बना के. मेरे और अब्देली की जर्नी भी, मतलब अब्देली लिस्टर्स को बताना चाहूंगा, अब्देली इज आवर को-फाउंडर एंड सीटीओ इन लोडमी. अब्देली और मेरी रिलेशनशिप बचपन से है, फ्रॉम क्लास 6 वी आर फ्रेंड्स. एंड जब मेरे पास में लोडमी का आइडिया आया था इनिशियल डेज में, और उसके बाद में अभी मैं तो ऑपरेशंस वाला बंदा हूँ, मुझे तो सिर्फ ऑपरेशंस पता है, चलाना कैसे, आइडिया भी है, बनाना कैसे है, लेकिन बनेगा कैसे ये नहीं पता है. तो आई रीच्ड आउट टू अब्देली कि यार तू टेक बनाता है, तुझे पता है, सेंसर में जॉब भी करी हुई है, सो कैन यू हेल्प. तो ही सेड यस. उसने भी कुछ R&D करी, बिकॉज ही वाज आल्सो एट हिज इनिशियल स्टेज, उसने भी कंपनी स्टार्ट करी थी अभी. तो आई वाज प्रोबेबली आई वाज द फर्स्ट क्लाइंट ऑफ अब्देली. अच्छा, यस, आई डिड नॉट नो दिस. मेरे को लगा था अब्देली ऑलरेडी डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से कर रहा था, डेवलपमेंट में था वो, उसके खुद के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, सेल्फ आइडिया वाले. बाकी आई वाज द फर्स्ट क्लाइंट ऑफ देम, एंड विद द टाइम धीरे धीरे उसे काफी इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये तो चल सकता है, वी कैन डू. So Abdeli offered me कि यार I want to be a co-founder. I said कि यार तू तो ऐप बना दे, मैं चला लूँगा, co-founder नहीं चाहिए, मैं क्यों इक्विटी जारी उठाऊँगा. धीरे धीरे जब सपोर्ट बढ़ता गया, लगा कि नहीं हमें co-founder की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, और ये सारा बड़ा काम है. So, उसका ऑफर को एक्सेप्ट किया मैंने, और फिर सारी चीजें स्टार्ट करी. सो टच वुड, बट यस, थैंक्स टू गॉड कि मुझे एक अच्छा को-फाउंडर मिला, एक अच्छा टेक फाउंडर मिला, प्लस हम ऑपरेशंस को भी काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप भी बढ़िया है इसमें, हेल्दी. हाँ, नो डाउट, ये तीन चीजें एक साथ डॉट कनेक्ट हो गए एक टाइम पे, एंड दैट रियली वेंट वेल विद यू. वास्तव में ही इज वेरी गुड, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ही इज वेरी जेन्युइन. यस, वो बड़ी बात होती है. इवन फाइंडिंग को-फाउंडर इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क. Okay, so let's go ahead with this. How was your father's response and mother's response when you were trying to do something like LoadMee? Great question. So at the time when I shared my idea with my family, father, mother, brother, and everyone, they were like, "Papa का एक ही सवाल था, कर ले, लेकिन चलेगी नहीं, ऑनलाइन गाड़ियाँ नहीं चलती." Traditional जवाब. Traditional, और till मतलब I completed my 3 years in LoadMee, still he was not convinced. अच्छा. ये नहीं चल पाएगा, अभी भी मुझे पता है नहीं चल पाएगा. Now I think 1 or 2 year back अब वो भी ऐप से बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है. Very nice, very nice. तो उनको कन्विंस, उनको कॉन्फिडेंस आना was difficult. जब तक हमारे अर्ली कस्टमर्स, बड़े क्लाइंट्स नहीं इन्वॉल्व हुए थे, तब तक he was less confident. बट जब हमारे क्लाइंट्स का नंबर्स बढ़ते गया, सिटीज एक्सपांड हो रही है, तो यस, नाउ ही यूज्ड टू रेफर LoadMee टू अदर्स आल्सो इन हिज नेटवर्क. ओके, सो लाइक यहीं से अपन बात आगे ले जाते हैं. हु वाज योर फर्स्ट क्लाइंट, मतलब पहली ऐप कब बन गई थी, और ऐप बनने के पहले क्लाइंट था, या क्लाइंट बनने के बाद क्लाइंट बाद में आया और ऐप पहले आई? ऐप बनने के पहले हमने क्लाइंट पे वर्किंग स्टार्ट कर दी. बिकॉज पहला थॉट तो ये था कि ऐप लॉन्च करेंगे, फिर हम मार्केटिंग करेंगे और क्लाइंट्स लेके आएंगे, लेकिन ऐप बनने में 2-3 महीने लगेगा, चले गए. तो मेरा पेशेंस लेवल जो था वो खत्म हो रहा था. तो आई थॉट कि हम पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपनी ऐप में अपडेशन लेके आएंगे. तो हम लोगों ने कॉल सेंटर बनाया, एक कॉल पे बुकिंग्स लेना स्टार्ट करी और इवन मैं खुद बाइक पे जाके और मार्केटिंग करता था सियागंज और पूरा एरिया में इंदौर में। सो वहां से जो फीडबैक्स आते थे, जैसे कॉल्स आते थे, जैसे ड्राइवर्स के चैलेंजेस आते थे, रिक्वायरमेंट्स आती थी, उसको हम लोगों ने फिर नोट डाउन करना स्टार्ट किया और फिर अपनी ऐप में मैच्योरिटी लेके आए धीरे धीरे। हाँ, ये एक दिस इज समथिंग वेयर माय फ्रेमवर्क दैट आई ऑलवेज शेयर विद एंटरप्रेन्योर्स कि हमारा एक 7 स्टेप्स फ्रेमवर्क है टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन आइडिया टू अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग लेवल 300-500 करोड़ रुपीज ऑर्गेनाइजेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेसेस स्टार्ट सर्विस से होना चाहिए। होता क्या है कि ऐप पहले बना लोगे, उसमें 5 लाख रुपया लगा दोगे या 2 लाख रुपया लगा दोगे, जो भी लगाओगे, और फिर उसके बाद क्लाइंट बोलेगा कि इसमें जो 15 फीचर है मेरे किसी काम के नहीं है, तो दैट विल बी डेडली थिंग फॉर यू। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले क्लाइंट के पास जाओ, उसको बिजनेस सर्वर। अभी भी मेरी एक कंसल्टिंग चल रही है एक कंपनी में, एंड दे आर लाइक कि सर हम पहले ऐप बना लेते हैं। मैं उनको समझा के थक गया हूँ कि ऐप बाद में बना। अच्छा, पैसे वाले लोग हैं तो दे थिंक कि ऐसा डूब ही जाएगा तो अकरेगा नहीं, बट ऐसा किसी को नहीं देखा मैंने कि इंक्लूडिंग बिगेस्ट ऑफ द बिग इन दिस कंट्री, लाइक मैंने रिलायंस के साथ काम किया, आइडिया के साथ काम किया है, माइक्रोमैक्स के साथ काम किया है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी तकलीफ नहीं हुई थी उसका पैसा डूबने पे। सबको तकलीफ होती है भले कितना। हाँ, वो लोग बोलते हैं अरे अरे पैसा चला भी गया तो टाइम नहीं जाना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, मैं उनको यही समझा रहा था कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, फर्स्ट लेवल फ्रेमवर्क में हम लोग हमेशा बोलते हैं बिजनेस शुड स्टार्ट विद सर्विस, देन प्रोडक्टाइज सर्विसेज, एंड देन इट शुड गो टू द प्रोडक्ट स्टेज, एंड देन कम्स द इंटीग्रेशन, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। ये 4 स्टेज है। अब वो बिजनेस को जब आप सर्विस से शुरू करते हो तो जो फीड मार्केट दे रहा होता है उसके बारे में बताओ कि कोई ऐसे तुम्हारे फीचर्स थे जो तुमने सोचे ही नहीं थे और मार्केट ने बताया कि ये करो उस ड्यूरेशन। ऐसे कुछ फीचर्स फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक तो लोकेशन को मार्क करना स्टार्ट किया था कि फेवरेट लोकेशन हम लोग बोलते हैं जिसे। तो देयर आर मेनी बिजनेसमैन जो कि लोडमी की सर्विसेज तो यूज करते हैं, अब वो बार बार एक ही लोकेशन डालने में उनको चिढ़ होती है कि यार सेम लोकेशन, क्योंकि मेरा गोडाउन या मेरा ऑफिस जहाँ से मटेरियल पिक करना रहता है वो तो फिक्स है, तो बार बार उसकी लोकेशन क्यों डालूंगा। तो हमने वो चैलेंज आया था, तो हमने एक फेवरेट लोकेशन को जियो मार्क कर दिया वहां पर कि फ्रीज हो गई आपकी लोकेशन, अब सेव्ड है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन डिमांड करते थे कि जो आपने लास्ट टाइम गाड़ी वाला भेजा था वही गाड़ी वाले को वापस भेजना, रिपीट। हाँ, ये क्योंकि उसे कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, ही नोज हाउ टू डू, ही नोज थिंग्स। यस, तो हमने एक फेवरेट ड्राइवर वाला फीचर ऐड किया कि आप अपना ड्राइवर को ऐड कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं और फिर उनके पास में ही बुकिंग बजेगी और पूरे ग्रुप्स के बाकी ग्रुप के पास नहीं बजेगी। हाँ, तो जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग ड्राइवर है उसको थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा, तो he'll be more aligned। Yes, इसमें एक और चैलेंज था ना कि हमारे व्हीकल जाते तो थे कस्टमर के पास में, फिर वो आपस में डायरेक्ट बात करके नंबर एक्सचेंज कर लिया करते थे, क्योंकि कस्टमर को उसकी सर्विस अच्छी लगी है, उसका बिहेवियर अच्छा लगा है, तो वहां पर हम उसको क्रॉस करते हुए हम ये सारी चीजें बाईपास हो जाती है। तो काफी सारे ड्राइवर तो आजकल ऐसे ही है जो फेवरेट में चल रहा है। अच्छा, तो वो ड्राइवर को इंसेंटिव खत्म हो गया, मतलब आपको छोड़ के जाने का। यस, हाँ, वो पूरा दिन आपके साथ ही बिजी है, वो एक कस्टमर के लिए आपके साथ डीच नहीं करेगा। तो ऐसा तो होता होगा बहुत फ्रीक्वेंटली कि ड्राइवर्स डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसका इलाज क्या है? ऐसा होता है, मींस ड्राइवर्स ऑलवेज वांट कि मुझे कमीशन नहीं देना पड़े और मेरा डायरेक्ट काम हो जाए, लेकिन कस्टमर के पास में क्या है, हमारा ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है कि अश्योरिटी है लोडमी के साथ में, ड्राइवर के साथ कोई अश्योरिटी नहीं है। और फिर वही अगेन सेम मार्केट वाला काम है कि उसके साथ में फ्रेट जो है अगेन मोल भाव करना है वगैरह, तो वहां पर हम लोग विन कर जाते हैं। कस्टमर कभी भी, कस्टमर इवन कस्टमर आर वेरी लॉयल कि वो हमें बता देते हैं भैया आपका ये वाला ड्राइवर मेरे को नंबर देके गया था, तो आप ध्यान रखिए। तो फिर उन ड्राइवर्स के साथ क्या करते हो जो ये हरकतें करते मिलते हैं? उन ड्राइवर्स को समझाइश देते हैं, दैट्स इट। उनको मतलब वी कैन कंट्रोल देम बिकॉज दे आर आल्सो बिजनेस ओनर्स, बट अभी नहीं तो उसका कोई मैकेनिज्म है कि अगर ऐसा 2-3 बार करा तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, उसे ब्लॉक करते हैं, फिर वो जब तक 3-4 बार रिक्वेस्ट नहीं करता है सर अगली बार से नहीं होगा, या फिर ब्लैकलिस्ट ही कर रखा है ड्राइवर को, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रखी है उसने। सो वो तो अभी लेवल आया है हमारा ब्लॉक करने वाला कि हम अब ड्राइवर्स को एंटरटेन नहीं कर रहे, जरा सा भी मिसबिहेवियर हुआ या कुछ भी हुआ तो हम जस्ट ब्लॉक करते हैं उसके। फिर उसके पहले तो ड्राइवर्स को ऑनबोर्ड करने ही अपने आप में मेहनत का काम रहा, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ड्राइवर्स को कोई डिवाइस वगैरह देते हो आप? नहीं सर, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था तब तो टेक सेवी ड्राइवर्स ही नहीं थे, उनके पास में एंड्रॉइड फोन ही नहीं था। तब हमने इन्वेस्टमेंट किया था, 10 माइक्रोमैक्स के मोबाइल खरीदे थे और ड्राइवर्स को बांटे थे कि आप हमारी ऐप चलाओ, और वो लेके चले गए सारे। प्रॉब्लम थी ये। फिर थैंक्स टू, मतलब आई ऑलवेज थैंक कि जियो आया मार्केट में, उसने 1 साल फ्री चलाया, सबके पास में व्हाट्सएप वाले फोन आ गए और अब हर पर्सन के पास में एक बेसिक नीड है कि मुझे व्हाट्सएप वाला मोबाइल तो चाहिए, एक स्मार्टफोन तो हाथ में चाहिए ही चाहिए। तो उसने हमारी लाइफ इजी बना दी ऐप को भी प्रमोट करने में, और अब जो है हम किसी को भी डिवाइस कुछ भी नहीं देते, सिर्फ हमारी ऐप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल हो जाती है। लोडमी ड्राइवर ऐप, लोडमी यूजर ऐप दोनों अवेलेबल है एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे, दोनों पे। और बस इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट वे टू बुक अ व्हीकल एंड। अच्छा, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज टू ऑनबोर्ड अ ड्राइवर ऑन योर ऐप? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ड्राइवर्स का मार्केट में, मतलब एक छोटा छोटा यूनियन बना हुआ है इंदौर में एक बड़ा यूनियन कहीं पे भी नहीं है, बट जैसे सियागंज मार्केट है तो वहां पर एक ऑटो रिक्शा स्टैंड है तो उनका एक ग्रुप है, ऐसे ही देवास माता पर है, सब जगह पे अपना अपना ग्रुप है। उन ग्रुप को तोड़ना और फिर उनमें से किसी को ऑनबोर्ड करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो हमने वो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया, और इनिशियल फेज में हम डिसहार्टेडली ही वापस घर आते थे। फिर एक आइडिया आया कि लोहा मंडी में रोज जाम लगता है, तो एक काम करते हैं, वो जाम वाली गलियों में जाएंगे और 200 गाड़ियों को रोज एड्रेस करेंगे, और फिर उन 200 में से कम 20 कॉल हमारे पास रोज आने चाहिए रिवर्ट कि सर मेरे को जुड़ना है आपके साथ। तो वो स्ट्रेटेजी काम कर गई हमारी, और फिर वो 20 गाड़ी 20 करते हुए आज 2,500 गाड़ी वाले हमारे पास जुड़े हुए। वेरी नाइस nice. तो खुद गए जाते थे रोड पे? वेरी नाइस, सारी टाइप की मार्केटिंग करी। मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि अब मैं कहीं पे भी टीम फंसती है तो उन्हें डायरेक्ट कर देता हूँ कि ऐसा करोगे तो हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया पता होना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक अगेन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न कि जब तक आप खुद अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे तब तक यू कैन नॉट डू थिंग्स। बिजनेस में कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि ऑफिस में बैठ के बिजनेस चल जाए, कभी होता ही नहीं। उसके लिए या तो आपको मार्टसाप बनना पड़ेगा या आप बिजनेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनी सच थिंग कि आप फील्ड में नहीं जाएं और आपको उतना अच्छे से स्टार्टअप रन करना है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि जो फील्ड में जाके बेसिक स्ट्रगल, पर्टिकुलरली सेल्स के, ऑनबोर्डिंग के, ये वाले स्ट्रगल नहीं करा हो। एक मुझे ये बताओ कि ड्राइवर्स की जो लॉबिंग होती थी, एंड दिस इज समथिंग, ये जो आंसर है इसके पहले मैं ब्रीफ कर दूं मेरे ऑडियंस को कि इस आंसर को सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे बी स्कूल्स में पढ़ के आते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप खड़े करते हैं, वो ऑन ग्राउंड फाइट में हार जाते हैं। और ये सबको ही आती है, चाहे वो निंजा कार्ट हो, चाहे लोडमी हो, चाहे मालगाड़ी हो, चाहे हॉलेज बना लो, आप कोई ऐसी चीज बना लो जिसमें आपको ओला बना लो, उबर बना लो। एक इनकी जो लॉबीज होती हैं, इनके जो गुंडे होते हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे होके, चाहे ओला हो चाहे उबर हो, सबके खिलाफ उस शहर में काम कर रहे होते हैं। तो वो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, जैसे निंजा कार्ट वालों को तो हत्या की सुपारी तक चली गई थी उन लोगों की, तो बेचारों की, उनके ट्रक रुक जाते थे। तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, थैंक्स टू गॉड मींस अभी तक तो ऐसा कोई केस हुआ नहीं है, बिकॉज मैंने जो बचपन से सीखी थी कि ड्राइवर की जो लॉबी है उसको अपन अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो हमारे खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाएगा। उनकी सारा दुख दर्द जो है मींस ड्राइवर वाला जो लॉबी है, इवन दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर डेली रूटीन लाइफ, तो उनको उनका दुख सुनने वाला कोई भी नहीं है। सही बात है। गरीब आदमी जहाँ पर भी जाते हैं वो गाली सुनने को मिलता है, अब्यूसिव वर्ड सुनने को मिलता है। तो हमने एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी कि जो भी ड्राइवर ऑफिस पे आएगा उसका सारा दुख सुनेंगे, उसको फैमिली में फैमिली प्लानिंग कैसे रखनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे रखनी चाहिए, वो मैं पर्सनली इन्वॉल्व होकर ड्राइवरों को समझाता था, ऐसा मत करो वैसा मत करो वगैरह। सो इवन कुछ की तो वाइफ से भी बात करें कि ये ड्रिंक करने की ज्यादा आदत है, आपका पैसा जो है वो जो कमा रहे हैं आपके खाते में डालेंगे, उसके खाते में नहीं डालेंगे। तो वहां से कुछ इस टाइप की हैबिट्स भी छूटी उनकी और वो एक पर्सनल टच बनने लग गया। तो आज मतलब जो ड्राइवर इनिशियल से जुड़े हुए थे वो आज भी हमारे साथ कंटिन्यू है, मतलब 6-7 साल हो गए उनको हमारे साथ काम करते हुए। वेरी नाइस। वो ग्रो भी कर रहे हैं अपने आप। पर्सनल टच और वो जो फैमिली एनवायरनमेंट दे रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ कि हु वाज योर फर्स्ट ड्राइवर? तो आवर फर्स्ट ड्राइवर वाज अंकित तिवारी। एंड इज ही स्टिल देयर? यस, ही इज स्टिल देयर। वेरी नाइस। तो उसकी कौन सी गाड़ी है? उसके पास 3-व्हीलर ऑटो है। अच्छा, तो अंकित को थैंक्स बोलना हमारी तरफ से, है ना? उसको हमारी तरफ से एक पार्टी वार्टी देना कुछ। इवन मींस उसके साथ में फिर उसके पूरी फैमिली को उसने गाड़ियां दिला दी और फिर सारी लोड में ही रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसके जितने भी कजिन्स और रिलेटिव्स थे सब तिवारी हमारे पास चल रहे हैं, सब तिवारी लोग कर रहे हैं। मतलब ये उधर उत्तर प्रदेश से आए हुए तिवारी हैं। हां, माइट बी मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे। ओके, उत्तर प्रदेश भी आ गए। नाउ द पॉइंट इज कि कस्टमर एक्विजिशन में तो मेरे ख्याल से उतना चैलेंज आया नहीं होगा तुम लोगों को, क्या आया? कस्टमर एक्विजिशन में भी चैलेंजेस आते हैं बिकॉज हम जिन कैटेगरी के साथ डील कर रहे हैं, बिकॉज बिजनेसेस हैं यहाँ पर। तो एक तो हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया था हमारी सर्विसेज को, तो ऑलवेज एक वॉइस वाला टच रहता है, कहीं कोई ना कोई बात कर रहा है आपसे, तो बार्गेनिंग हमेशा होती है पहला। दूसरा बिजनेस है तो वो आपसे पूरा निचोड़ करके और फिर तिल्ली में से तेल निकालेंगे, तो वो वाला सीन हम लोग मतलब ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे व्हीकल्स अवेलेबल करा रहे हैं और डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो वो हम लोगों ने एंटरटेन करना बंद किया। दूसरा कैश वाले बिजनेस हमारे पास आ नहीं रहे थे, तो फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा क्रेडिट लाइन में जाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हम देख के धीरे धीरे क्रेडिट में जा रहे थे कि किसको देना है क्रेडिट, किसको नहीं देना है, वो एक पर्सनल देख के समझ में आने लगा था। और फिर उनके पास जो भी बिजनेस था हम लोगों ने धीरे धीरे अपने पास में लिया और मंथली बिलिंग में शिफ्ट किया उसको। सो इट गॉट सक्सीडेड, हाउ मतलब समहाउ वी गॉट सस्टेन्ड विद अगेंस्ट आवर कॉम्पिटिटर, लोकल कॉम्पिटिटर जो थे कॉलेज और मालगाड़ी जो आपने बताया, उनके कंपेरिजन में हम फिर भी सस्टेन कर रहे थे बिकॉज हमारी क्रेडिट लाइन चल रही थी इधर। अच्छा, यस। एंड तब तक ऐप लाइव नहीं हुई थी हमारी। हमारी ऐप जो लाइव हुई वो 2019 में लाइव हुई, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बिजनेस के चैलेंजेस नए नए आ रहे हैं, तो ऐप में अपडेट्स होते जा रहे हैं, अपने आप ही लॉन्च हुई नहीं है, अपडेट्स होते जा रहे हैं बस। तो कितने साल बिना लॉन्च करे अपडेट्स चलते रहे? हमने ऑलमोस्ट 2 साल निकाले। 2 साल? मेरे ख्याल से टफ इयर्स थे बिकॉज हमारे पास फंड्स भी नहीं थे, बूटस्ट्रैप कर रहे पूरा। तो मेरे जितना भी ऑपरेशंस का पैसा लगाया हुआ था वो पूरा वर्किंग कैपिटल में क्रेडिट लाइन में जा रहा था हमारा, रोटेट हो रहा था। और अब दिल्ली उसके लेवल पे टेक प्लान कर रहा था धीरे धीरे अपने स्टेज पे। सो जो अगर फंड्स होते हैं हमारे पास में उस समय, तो हम लोग थोड़ा फास्ट स्टेज पे ले आते हैं इसको। प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें 2019 में, जो कि बोहरा समाज का इवेंट हुआ था इंदौर में। उस समय उनके धर्म गुरु आए थे, तो अब दिल्ली की वजह से हमें उसमें एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने को मिला जिसमें अराउंड 100 व्हीकल्स वी प्लेस्ड। दैट वाज आवर ब्रेक थ्रू की, मतलब एक चैलेंज था हमारे लिए 100 गाड़ियां लगाना एक जगह पे 3 दिन के लिए। 100 गाड़ियां ढूंढ के और एक जगह पे खड़ी करना वाज आवर बिगेस्ट टास्क। तो वो अचीव किया हम लोगों ने और वो अचीवमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया। काफी अच्छी ब्रांडिंग करी थी हमने पूरे इंदौर में। तो समहाउ वॉलमार्ट की टीम इंदौर में घूम रही थी, दे वर लुकिंग फॉर अ रिलायबल ट्रांसपोर्टर फॉर देम। तो दे अप्रोच्ड अस कि आप हमारे स्टोर की डिलीवरी टेक केयर करोगे क्या? मतलब वो लिंक कितनी प्रॉपर बनती है ये। दिस इज अगेन अ वेरी साइंटिफिक थिंग, जिसमें हम स्वयंसेवक संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस पर अक्सर बात करते हैं और इसको मोदी जी बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हैं कि जो आपके पास अभी काम है, जो संगठन ने दे दिया है, यदि आपने उसको ईमानदारी से करा तो आपकी जो बाकी की लिंकेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली बनने लग जाती है और वो रिकॉग्निशन बनती चली जाती है। और वही आपके साथ भी हुआ कि अब्दे अली के साथ में आपका एसोसिएशन अच्छा रहा जब मौका आया आप दिल्ली ने आपको सही जगह रिफर करा, वहां आप लोगों ने सही परफॉर्मेंस दिया, तो आपके पास में वॉलमार्ट जैसा बड़ा क्लाइंट खुद ही आ गया। हाँ, लोग जाते हैं वॉलमार्ट के साथ में पास में कि हमें काम दो और वो मना करते हैं, उन्हें रिक्वायरमेंट थी और वो हमारे पास है, हमने हाँ बोला क्या हाँ करेंगे हम। आई डोंट नो तुम्हारे को उसकी सिग्निफिकेंस कितनी फील होती है, बट वॉलमार्ट को क्रैक करना, डॉट्स आप कनेक्ट कर रहे हो वो ट्रू है। हाँ, वो वॉलमार्ट को क्रैक करना इज अ वेरी 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 टफ टास्क, और वो भी मतलब यू आर अ स्टार्टअप एंड दिस वाज 2019 ना, तो एन इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ यू माइट हैव सीन बाय दैट टाइम। और उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर जिसके एम्प्लॉय साइज 23 लाख है, जिसके पास 12,000 स्टोर्स हैं, जिसके पास में पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी खुद की पर्सनल इकोनॉमी है, जिसके पास में इतनी बड़ी आर्मी है कि यदि वो उसकी खुद की पर्सनल आर्मी बना ले तो वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी हो जाए। करेक्ट, दीज आर द फिगर्स दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस। और तब आप वॉलमार्ट के साथ जुड़ जाते हो। ऐसे ही कुछ वेबसाइट वगैरह के साथ जमा लो, टाटा के साथ एक बार जुड़ गए तो विल बी हैविंग एंटायर लाइफ एसोसिएशन, फुल लाइफ एसोसिएशन हो जाएगा टाटा के साथ जुड़ने में। टाटा की किसी भी एक कंपनी, क्रोमा है, वेबसाइट है, अभी तो इन्होंने ये जोडियक क्या खोला है, ज़ूडियो, दैट इज आल्सो देयर। ये बहुत अच्छा हुआ। वॉलमार्ट तो अभी भी होगा मेरे ख्याल से ऑन बोर्ड, वॉलमार्ट के तो हम नेशनल वेंडर हैं। वाओ वाओ, बिग अचीवमेंट है। तो ग्रेजुअली हमारी सर्विस परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होता गया। मींस हम लोग तो बाकी जितने वेंडर्स हैं इनके पास में वो सब लोकल ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं होते हैं लोग, उस टाइम के लोग। सो वो लोग ढूंढ रहे थे कोई एक यंग ट्रांसपोर्टर मिल जाए, वो हम थे, जो टेक सेवी हो वो हम थे, और वो एक परफेक्ट फिट बैठा हमारा और उनका। तो वो भी एक टेक एनेबल्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज स्टार्ट करना चाह रहे थे, पायलट करना चाहते थे। अगर ये इंदौर में सक्सेसफुल हो जाएगा तो पैन इंडिया रोल आउट हो जाएगा, और हम लोगों ने उससे सक्सेस बनाया। फिर विद इन 6 मंथ्स वो सक्सेस हो गया। तो पैन इंडिया बाकी सारे ट्रांसपोर्टर्स जो लोकली पर्ची पे बिल्टी काटते थे वो ऑनलाइन बिल्टी काटने लग गए। This is how technology takes the entire industry up. हाँ, फिर वॉलमार्ट के वजह से means 2020 में जो लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में भी हमारी means सर्विसेज कभी रुकी नहीं। और जस्ट बिकॉज वी वर प्रेजेंट इन इंदौर, हम लोग वॉलमार्ट पे काम कर रहे थे और हमारी ब्रांडिंग भी, सारी ब्रांडिंग वाली व्हीकल्स घूम रही थी इंदौर में। सो सेम एफएमसीजी डोमेन में जो दूसरे प्लेयर्स हैं, डी मार्ट एंड शॉपकिराना एंड अदर, वो लोग भी जानते थे कि अच्छा लोडमी करके कोई कंपनी है जो वॉलमार्ट की डिलीवरीज करती है। ब्रिलियंट। जैसे ही लॉकडाउन हिट हुआ तो डी मार्ट, शॉपकिराना, इवन इंदौर लोकल नगर निगम के कुछ वार्ड जो थे वहां पर हमारी गाड़ियां उन्होंने तुरंत ऑनबोर्ड करी। जो रेट हमने बोला वो रेट पे ऑनबोर्ड करी, और अराउंड 150 व्हीकल्स को हम लोगों ने पूरा फर्स्ट और सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया। वेरी नाइस। तो तुम्हारे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। वेरी नाइस। वॉलमार्ट ऐसे 4-6 बड़े क्लाइंट हो गए तो जीवन में इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं। नहीं, बिल्कुल, यू जस्ट कीप सर्विंग देम। वैसे हालांकि बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स। अभी हाउ मेनी व्हीकल्स यू हैव ऑन बोर्ड, कितने व्हीकल्स, कितने ट्रैक? 2500 व्हीकल्स रजिस्टर्ड है हमारे प्लेटफॉर्म पे। वेरी नाइस। और कितने का मूवमेंट होता है पर डे? पर डे हमने अराउंड 150 व्हीकल्स तो हमारे मंथली अटैच्ड है, रजिस्टर मतलब मंथली फिक्स है कहीं ना कहीं कंपनीज में, और उसके अलावा अराउंड 120 व्हीकल्स पर डे हमारे रन होते हैं जो सिंगल ट्रिप पे चलते हैं। सो द सर्विसेज आर ओनली फॉर इंट्रा सिटी एज वेल एज इंटर सिटी। एक इंटरेस्टिंग चीज तुम कर सकते हो आने वाले 2 दिन में, बिकॉज अब ये वीडियो तो लाइव होगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे ख्याल से, बट कल और परसों 2 दिन उज्जैन में कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, एमपीआईडीसी हमारे डिपार्टमेंट कर रहा है, मतलब मैं उनका कंसल्टेंट हूँ, बट मेरे पास आया हुआ है सर। हाँ, उसमें जाओ एंड हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस देयर, बिकॉज वहाँ पे दिस एमपी गवर्नमेंट इज डूइंग फिनोमिनल जॉब। वहाँ अभी आप विक्रम उद्योगपुरी का यदि डेवलपमेंट देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड द काइंड ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट्स, ये वो सारी बड़ी कंपनियाँ, मतलब बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ आ रही है। मतलब इनफैक्ट पेप्सी जैसी कंपनी उज्जैन से 7 किलोमीटर दूर पे काम कर रही है। अपना यूनिट डेवलप कर रही है। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ कार्ड्स कलेक्ट करके आ गए और उनको उनके पास में जस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जो अक्सर इवेंट में लोग नहीं कर पाते हैं। इवेंट के बाद वो तुम कर लेना, मैं आई जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है, इसकी रिकॉर्डिंग हो सकता है किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर के भी काम आ जाए। वो ये होती है, हम इवेंट में जाएं, इवेंट में जाने के बाद में उन लोगों के कार्ड्स कलेक्ट करें हु आर इन आवर बेस्ट बायर ग्रुप और हमारे टारगेटेड क्लाइंट्स हैं। टारगेटेड क्लाइंट्स में भी सब पे मेहनत नहीं करनी चाहिए, बेस्ट बायर्स पे करनी चाहिए। जैसे अभी तुम वहाँ हो, उस स्टेज में हो वेयर इन यू हैव एक होता है एक की एलिमेंट तुमने अचीव कर लिया है कि एक तुम्हारे पास में एक किंग पिन स्ट्रेटेजी बोलते हैं हम उसको, स्ट्रेटेजी की लैंग्वेज में किंग पिन है तुम्हारे पास। मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसके नेशनल वेंडर हो। अब ये ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है, इस ब्रांड वैल्यू को सब अप्रिशिएट करेंगे। किंग पिन स्ट्रेटेजी को वहाँ यूज कर लो एंड इफ यू ब्रिंग ऑल दिस कार्ड्स, उन कार्ड्स को लेके उनका ना एक लिंक्डइन पे तुम्हारे किसी टीम मेंबर को बोलो कि लिंक्डइन पे सारे वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं इस कंपनी में, उनको सिर्फ कनेक्ट भेज दें। आने वाले 6 महीने में भी अगर ये लोग सारे लोग हमसे कनेक्ट हो जाते हैं या महीने भर में भी कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस जो सोशल मीडिया अपलोड्स है लिंक्डइन के, वो दे विल कीप यू इन देयर आइज। और उससे क्या होगा, व्हेन दे नीड, बिकॉज ये ऐसी चीज है ट्रांसपोर्टेशन, जब तक मुझे जरूरत नहीं है तब तक मैं किसी को कॉल नहीं करने वाला। अब पर जब जरूरत है, आई वांट इट हियर एंड नाउ, अभी चाहिए मुझे। और फिर उसमें रेट्स ज्यादा मैटर नहीं करते हैं उस टाइम, बिकॉज मेरा पुराना वेंडर फेल हुआ है तब मुझे एकदम से जरूरत पड़ी, तो अब मैं मेरा माल खराब नहीं होने दूंगा। जैसे एक आइसक्रीम फैक्ट्री के साथ में थे, अब हम वहाँ पे बड़ा सेटअप बना रहा है, वो इज लाइक 3 या 4 एकड़ की जमीन में जमीन लेके एंड दे आर मेकिंग आइसक्रीम्स, नॉट आइसक्रीम, दे आर मेकिंग क्रीम ऑन विच वी लाइक यूज ऑन केक्स। केक के ऊपर जो टॉपिंग, हाँ, वो आइसिंग क्रीम, अब वो लोग वो बना रहे हैं, वो उसको 1 घंटे भी खराब नहीं होने दे सकते। एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रक के ट्रक खराब हो जाएंगे अगर प्रॉपर मैनेज नहीं हो तो। व्हेन दे नीड यू, यू विल बी इंडिस्पेंसिबल फॉर देम एंड वंस दैट ट्रस्ट कम्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, यू कैन रिमेन देयर वेंडर फॉर मेनी मेनी इयर्स। तो होना करना ये है कि वहाँ जाएं, सारा डेटा कलेक्ट करें, उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे रखें और उनको हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करें और उनको कंटिन्यूस दिखाते रहें कि वी आर इन दी मार्केट। ओके, सो दिस इज एस्कॉर्टिंग पीरियड, आई ऑलवेज से है ना, ये आपके क्लाइंट को वू करने का टाइम है। और वहां से वो मिल जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सोशल मीडिया या लिंक्डइन का पावर वहां कैसे काम करता है, तो दैट विल रियली वर्क फॉर यू। अच्छा, मुझे ये बताओ, व्हाट वाज द लोएस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ, या सबसे टफ टाइम कब था और क्या रहा उस इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में? कब ऐसा लगा कि बंद कर दो यार, ये सब कोई मतलब नहीं है? तो सबसे टफ टाइम तो मेरे हिसाब से अराउंड 2018 वाज द टफेस्ट फेज आई हैव एवर फेस्ड, बिकॉज उस समय ऑलरेडी हम लोग मालगाड़ी जो ऑलरेडी कंपटीशन है उसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे और हम लोग कोप अप कर रहे थे। सडनली एक नया कंपनी और आ गई इंदौर में, कॉलेज के नाम से, और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जियो वाली स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे थे और हम लोग बहुत डर गए कि यार अपन तो काम कर ही नहीं पाएंगे अब, बिकॉज बोथ द कंपनीज आर डीप विद देयर पॉकेट्स और हम अभी बूटस्ट्रैप कर रहे हैं और हमारे खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। तो मैं और अब्देली बैठे हैं, मैंने अब्देली के सामने बोला, मैंने कहा यार अपने को तो बंद करना चाहिए, अपन कुछ और करते हैं, समझते हैं। तो ही बूस्टेड अप, अब्देली और उसके ब्रदर दोनों, हम तीनों की मीटिंग चल रही थी, तो अब्देली के ब्रदर ने बूस्ट किया कि नहीं यार सौरभ भाई आप करो, हो जाएगा, ये फेज है, निकल जाएगा, अपन जीतेंगे। तो समहाउ जैसे तैसे मैनेज करके हम लोगों ने थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर फ्रेंड्स एंड सब, इन लोगों के सपोर्ट से, मोटिवेशन से, और वो फेज निकाला। और हमारे पास बाकी अपॉर्चुनिटीज जो 2019 में वेट कर रही थी वो आई हमारे पास में, और फिर वी नेवर लुक बैक। वेरी नाइस। सो आफ्टर दिस लाइक 2018 जब डार्केस्ट पीरियड था, ब्राइटेस्ट पीरियड भी आ गया उसके बाद, जस्ट आफ्टर दैट, है ना। वो हम लोगों ने जैसे तैसे मींस सरवाइव किया, तो अल्टीमेटली हमें सनराइज दिखा। holding the breath at that point in time becomes very important. है ना, रात जब गहरी हो जाती है तो सवेरा आने ही वाला होता है. ऐसी वाली बात हुई तुम्हारे साथ. वेरी नाइस. सो 2018 में यू आर ड्राइव विद मनी और ड्राइव विद करेज. व्हाट ड्राइव विद करेज. अच्छा, पैसा वैसा तो था, मतलब पैसा वैसा मींस फैमिली साउंड है तो वहां से प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा पर कमा नहीं रहे और लगे जा रहा है. तो बिजनेस वाला सिर्फ सेंस है, बिजनेस में पैसा बच रहा है, सैलरीज जेब से जा रही है, सब हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, अपने खर्चे तो सेकेंडरी हो गया. तो वो टाइम पे एक सोचा था कि यार ये अपन गलत बिजनेस कर रहे हैं, शायद नहीं हो पाएगा, अपने को फंडिंग भी नहीं मिल रही है, अपन बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, लगाया जा रहा है, हो नहीं रहा है. वेरी नाइस. तो ये होता है इम्पोर्टेंस कोफाउंडर्स का. कोफाउंडर्स की वैल्यू यहाँ बहुत है. अगर अपने को अकेले डिसीजन लेना पड़े तो ऐसा लगता है बंद कर दो यार, बेकार हो रहा है ये. बट व्हेन यू हैव द राइट गाइज बिहाइंड यू एंड दे गिव यू सपोर्ट, तो वो मोरल सपोर्ट बहुत बड़ा हो जाता है. एंड व्हाट वाज योर फादर्स रिस्पांस एट दैट टाइम? फादर, फैमिली, मदर? मैंने फैमिली में ये सब चीजें डिस्कस नहीं करी कि मैं बंद कर रहा हूँ या वगैरह, वो सब हमारा ही टॉक्स होती थी क्या करना चाहिए वगैरह. बट फादर, फैमिली तो ऑब्वियसली सब लोग एनकरेज ही करते थे, बट अल्टीमेटली उनको पता था, देयर थॉट प्रोसेस वाज कि हाँ ये इसको करने दो जितने दिन करना है, अल्टीमेटली घूम के आएगा और अपने बिजनेस पे बैठ जाएगा. तो हां, तो वेटिंग चल रही है. एंड हाउ अबाउट योर गर्लफ्रेंड और वाइफ? उस टाइम गर्लफ्रेंड थी कि शादी कर ली थी? मेरी शादी 2017 में हो गई. अच्छा, तो हाउ so what was the response of your wife that so, she was very encouraging. she know every depth क्योंकि हम लोग MBA से ही साथ में थे, MBA में ही आइडिया आया था, तो उसके साथ सारी चीजें डिस्कस हुआ करती थी, तो वहां से भी मोटिवेशन हमेशा मिला मुझे. वेरी नाइस. सो डज शी पार्टिसिपेट इन बिजनेस? she was initially participating as an HR but now she is more engaged with the kids. अच्छा, तो how old are your kids? Daughter is 3 years and son is all 1 year. Here I'll give you a tip. And तुम पता नहीं झेल पाओगे कि न्यूज़ टिप को, but that will really work. Either with your branding or with your finance, associate your wife. Yes. Getting, because क्या होता है, अगर पैसे पे उसका कंट्रोल है ना, फाइनेंस पे, तो यू विल नॉट बी चीटेड. बहुत सारे लोग तुमको चीट नहीं कर पाएंगे. Correct. और या फिर ब्रांड की ऊपर कंट्रोल है, बिकॉज देखो एक बंदी तुम्हारे को हीरो मान के, उसकी लाइफ के तो तुम हीरो थे तभी उसने शादी करी थी, है ना, बट दुनिया में हम हीरो उस टाइम नहीं होते, सिर्फ उसकी आई में हीरो होते हैं. पर उसकी आंख से दुनिया को दिखा सके आपको, ये उसकी कैपेबिलिटी कब होगी? जब वो ब्रांड को संभाल रही है. तो वो बार बार हर जगह ब्रांड में उसका इंटरफेरेंस, भले वो कुछ न जाने, तुम्हारी वाइफ तो बहुत एजुकेटेड है, बट न जानने पे भी वो ब्रांड को जितना लव वो करेगी उतना दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे. तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में यू एसोसिएट योर वाइफ विद योर, डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज आवर प्लान. हाँ, और वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि उसको बहुत इन्वॉल्वमेंट देना पड़े, उसका सिर्फ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होगा. तो ब्रांडिंग हर जगह होती है, मतलब क्या कपड़े तुम पहनोगे, क्या लोगो होगा, क्या मोनो होगा, क्या कलर्स होंगे, क्या गिफ्ट्स दोगे, गाड़ी पे क्या लगेगा, ड्राइवर्स किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह से बात होगी. शी कैन एक्चुअली कीप थिंकिंग पूरा दिन एंड शी कैन गिव यू सर्टेन टिप्स, और फिर उसमें ही वो अच्छा शी विल बी एंजॉयिंग बाइंग परचेसिंग. उसको माल खरीदने में, मतलब शॉपिंग इज द बिगेस्ट बूस्टर फॉर देम, मतलब एंडोर्फिन जनरेट करता है लड़कियों में. ठीक है, तो उसके साथ में एक मजेदार बात ये होने वाली है कि व्हेन शी इज गोइंग टू गो फॉर शॉपिंग शी विल नेगोशिएट सो मच अबाउट एवरीथिंग फॉर यू कि तुम्हारा जो परचेस है पर्टिकुलरली ब्रांडिंग एस्पेक्ट्स पे वो बहुत अच्छा हो जाएगा. बाकी का परचेस तुम करते रहो, बट वहां पे यू कैन एक्चुअली टेक हर. नाइस सजेशन, आई विल टेक इट. दिस रियली वर्क्स. इट हैज अ एंटायर न्यूरो लिंग्विस्टिक. आई एम मास्टर प्रैक्टिशनर फॉर दैट ना, तो मैं बता सकता हूँ कि उसका न्यूरो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है. हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है हम ज़्यादा समझते हैं ब्रांड के बारे में हमारे, बट जो ब्यूटी का एलिमेंट उसके दिमाग में तुमको लेके, योर ब्रांड इज योर एक्सटेंशन, समझो, कंपनी इज द एक्सटेंशन ऑफ इट्स फाउंडर. और वो फाउंडर के एक्सटेंशन पे अगर वो बंदी जिसको सबसे ज्यादा उस ब्रांड सौरभ से प्यार है, वही उसके एक्सटेंशन से सबसे ज्यादा प्यार करेगी और जैसा वो देख रही है वैसा वो दुनिया को दिखा देगी। मतलब वो वैसा दुनिया को दिखा देगी तो विल बी हैविंग एंटायर कनेक्टिविटी इन वन गो। सो उसको उतना पावर दो, लेट हर बी इन्वॉल्व घर से ही 2 घंटा रोज दे, एंड दैट विल चेंज अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग थिंग इन योर कंपनी। 100% sir, I'll take your this suggestion because it is very much required now. This will really work. बताना मुझे क्या impact आया। Sure. Okay, then and Sam Walton का suggestion है ये, मेरा नहीं। Okay. ठीक है। Sam Walton used to say this. बोले मेरी wife को मैं hero लगता हूँ, बाकी किसी को नहीं लगता। And then उनकी wife ने सब जगह involve होके सब कर दिया। उन्होंने HR और मार्केट ब्रांडिंग 2 पे बहुत काम करवाया उनकी वाइफ से। वो सिर्फ उनसे सजेशन लेते थे, तुम इन्वॉल्व कर सकते हो बिकॉज तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी का पावर है। ओके, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट डिफाइन सक्सेस फॉर यू और व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप डूइंग दिस एवरी डे? एक तो होता है मनी, वो तो थोड़े दिन रहा होगा, अभी भी होगा, थोड़े दिन और रहेगा, बट उसके अलावा क्या? तो मेरा जो ड्रीम था कि LoadMee किस तरीके से रन करना चाहिए वो अभी भी आई थिंक सक्सेस नहीं हुआ है। तो वो मल्टीपल सिटी ऑपरेशन, साथ में हम हमारी ऐप सब जगह पहुंच रही है, हर मोबाइल में हमारी ऐप अवेलेबल है, सब उसे यूज कर रहे हैं, वो ड्रीम है। जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक का मोटिवेशन है अभी मेरे पास में, प्लस ऑब्वियसली मनी तो अल्टीमेट गोल होता है सब लोगों का, लेकिन ड्रीम यही है कि मेरे जब भी गाड़ी लेके मैं मार्केट में निकलूं तो LoadMee की गाड़ी दिखती रहे मुझे, वो मोटिवेट करता है। कहीं ना कहीं मैं जिस सिटी में जाऊं उस सिटी में LoadMee की गाड़ी दिखनी चाहिए। द वे प्राउड भावेश अग्रवाल माइट फील फॉर ओला, आई वांट टू फील। वेरी नाइस, द बिग डील। हां, दिस इज रियली गुड। ये ऑटोमेटिकली जगा देगा रोज सुबह से कि नहीं यार बड़ा करना। अपन किसी शहर में जाओ, किसी रोड पे जाओ, LoadMee का टैग लगा हुआ, कोई ना कोई ऑटो दिख जाए बस। लोडिंग, वेरी नाइस। ओके, सो व्हाट इन योर इंडस्ट्री यू वुड लाइक टू चेंज, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन में तुम क्या चेंज करना चाहोगे यूजिंग योर टेक्नोलॉजी एंड LoadMee? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। इवन ऑफलाइन ट्रांसपोर्ट मार्केट जो है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, झूठ पे बहुत चलता है बिजनेस। तो उसे हम टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं वो चीज। बिकॉज अभी तो हम लोग मिनी ट्रक्स में डील कर रहे हैं, छोटे ट्रक्स में, और जब हम लार्जर ट्रक्स में जाएंगे तो वहां पर ये सारे चैलेंजेस बहुत आएंगे, मल्टीपल वेंडर से काम करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर हम यूजर को सर्विस देंगे ना, तो कभी भी वो जो क्लैशेस वाली जो सिचुएशन आती है दो लोगों के बीच में, वो सिचुएशन भी नहीं आएगी, और ना कोई ड्राइवर को या फिर ट्रांसपोर्टर को कुछ गलत तरीके से सोचेगा, देखेगा। आजकल की यंग जनरेशन, मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन डोंट वांट टू एंटर इनटू हसल ऑफ लुकिंग फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन और बिकम अ ट्रांसपोर्टर। जिनकी जनरेशन से ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चलता आ रहा है वो ही ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। नया कोई बंदा मतलब अच्छे बी स्कूल से MBA करके आया है, वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में नहीं आता है ट्रांसपोर्टर बनने के लिए। तो जस्ट बिकॉज कि ये इंडस्ट्री इज काइंड ऑफ ब्लैक इंडस्ट्री या ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, बोल सकते हैं। ब्लू कॉलर ही है पूरी इंडस्ट्री, ब्लू कॉलर ही है, बट वो मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको, लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं ट्रांसपोर्टर्स को, जिस वजह से उनको ट्रांसपोर्टर बनना या व्हीकल ओनर बनना पसंद नहीं है आजकल की जनरेशन को। मेरे हिसाब से वो चेंज आएगा अगर हम टेक के साथ में इसको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। नए लोग आएंगे, इसमें नया माइंड आएगा, तो काफी सारा अपलिफ्टमेंट होगा इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट एजेंसी से क्या एक्सपेक्टेशन है कि अपन क्या चेंज लाएं? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे ज्यादा करप्शन होता है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? इसमें मल्टीपल चैनल्स होती है सर गवर्नमेंट एजेंसीज में, जैसे तुमको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या चेंज कर देना चाहिए? गवर्नमेंट के जितनी अभी तो हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, यूलिप करके उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस वो जस्ट लाइक यूपीआई डेवलप कर रहा है। अच्छा हाँ, सो यूलिप में हम लोगों ने भी फॉर्म भरा है पार्टिसिपेशन के लिए, हम लोग भी कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट दे सके। तो इसमें जितने भी मल्टीपल चेक्स हैं जैसे फास्टैग, ईवे बिल, वाहन ऐप, सारथी ऐप और भी मल्टीपल है जो कि ट्रांसपोर्ट या फिर कहीं ना कहीं व्हीकल से रिलेटेड है, तो इन सबको कलेक्ट करके इनका पूरा डेटा कलेक्ट करके और एक जगह पे इसको पाइपलाइन कर देंगे। सो मेरे हिसाब से वो बेस्ट थिंग होगी। मीन्स आज कोई भी बिजनेस ओनर है वो ईवे बिल बनाता है, वो ईवे बिल का यूज क्या है, उसकी यूजेबिलिटी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट उसका डेटा कहाँ पर रख रही है, कैसे आपको बाद में फंस जाओगे अगर ईवे बिल गलत बनाया, तो वो सब नॉलेज नहीं है किसी को भी। वो नॉलेज देने की इम्पोर्टेंस है। वो सारी चीजें चैनलाइज होगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री और बाकी सब चीजें ग्रो होगी। वेरी बिग यार, ये इसके बारे में हमको नहीं पता था, मतलब मुझे ही नहीं पता था यूलिप के बारे में। नहीं, यूलिप का तो मोदी जी ने भी खुद ने इनॉग्रेट किया था यूलिप को, उन्होंने। बड़ी बात है, मोदी है तो बहुत कुछ मुमकिन हो रहा है। नहीं Yes. अभी मुझे कल एक चीज पढ़ने में आई थी कुछ कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स पे वही सिस्टम लगा रहे हैं जो गुजरात बॉर्डर्स पे लगता है, क्योंकि बिकॉज मुझे मेरे साथ के ट्रांसपोर्टर्स हमेशा बताते थे जो इंटरस्टेट करते हैं कि गुजरात में जितना सड़क पे पुलिस वालों को रिश्वत देना पड़ता है उसे 4 गुना मध्य प्रदेश में देना पड़ता है, बोले बॉर्डर पे ही हो जाता है। और ट्रांसफर्स की दुनिया मैंने देखी है थोड़ी सी, क्योंकि एक टाइम में मैं इन सबको देख रहा था बहुत नजदीक से, मीडिया में था तब। सेंधवा बॉर्डर पे पोस्ट पे अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में तो 50-50 लाख की रिश्वत होती थी उस टाइम, 50 लाख 1 करोड़ ऐसी रिश्वत होती थी। तो मैं सोचता था ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे पोस्ट पे खड़े, बोले सर वो 3 दिन में निकाल लेगा, 4 दिन में निकाल लेगा अगर निकालने पे आ गया। तो वो सब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से खत्म हो जाएगा। सो इट विल कर्ब द करप्शन, राइट। तो यूलिप कब तक लॉन्च करने का प्लान चल रहा है? यूलिप तो लॉन्च हो चुका है और यूलिप में धीरे धीरे सारी एजेंसीज जो है उसकी एपीआई आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने ऑफर किया है कि हम लोगों को फास्टैग की एपीआई और ईवे बिल की एपीआई चाहिए, तो हमारी ऐप के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे यूजर्स को और हमारे ड्राइवर्स को वो फैसिलिटी ईज हो जाएगी। तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। मींस यूलिप इज लाइव नाउ। इसमें वाहन ऐप, सारथी ऐप जो है, तो वाहन ऐप के थ्रू हमारे व्हीकल की पूरी ट्रेसिंग हो जाती है, कहाँ पर है, कौन सी नंबर प्लेट, जो आजकल ट्रेसेबल नंबर प्लेट्स आए हैं उसके। इवन कोई नया व्हीकल परचेज भी कर रहा है तो विदिन अ वीक उसका नंबर आ जाता है व्हीकल का, जो पहले महीना वेट करना पड़ता था। तो वो सारी चीजें आजकल ईजी हो चुकी है ऑलरेडी। वेरी नाइस। अभी एक ये ऑन रोड टोलिंग सिस्टम जो बनाया है वहाँ अटल सेतु पे लगा है, मुंबई और नवी मुंबई के बीच में, वो सिद्धार्थ ने बनाया अपने ही पे। टेक्निडो वाला सिद्धार्थ है, उसने ही मेड दैट। तुम नहीं मिले शायद। टेक्निडो सिद्धार्थ माहेश्वरी, सिद्धार्थ देव शर्मा, सिद्धार्थ देव शर्मा, ओके। सो सिद्धार्थ ने बनाया है एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। कभी तुम्हारे पास मौका मिले ना तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में सिद्धार्थ से कनेक्ट होना एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तुम दोनों आपस में आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिकॉज जैसे इन्होंने जो ओपन रोड टोलिंग सिस्टम, वो बहुत सारा बारकोड सिस्टम पे और बहुत सारा बूम बेरियर्स वगैरह पे टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब। और तुमको इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट तुम वॉलमार्ट में उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो या बहुत जगह इंट्रोड्यूस कर सकते हो या जहाँ साथ में स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो मुझे बताना, वी कैन एक्चुअली कनेक्ट यू। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लास्ट 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी टेकन केयर इन लाइक व्हाट आर योर विनिंग स्ट्रेटेजीज, ऐसे पूछे हैं इस क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक लेवल पे विनिंग एस्पेक्ट क्या है या कोर वैल्यूज लेवल पे किस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हो? अगर विनिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो होता है टीम वर्क, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट टीम होना चाहिए, टीम के मेंबर्स जो हैं वो आपके विजन के साथ मैच करना चाहिए। तो आपने फर्स्ट लेवल तो क्रॉस कर दिया। उसके बाद में जो भी प्लान आपको डिजाइन करना है, जो भी स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, तो उसमें कोई टीम को प्रॉपरली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के और उन्हें फ्री हैंड भी, थोड़ा बहुत फ्री हैंड देने की जरूरत है, ताकि वो उनकी क्रिएटिविटी के साथ में और फिर उनके थॉट प्रोसेस के साथ में अपने टास्क को कंप्लीट करें. सो आई कंप्लीटली बिलीव इन सेल्फ ओनरशिप ऑफ अ टास्क. वो सेल्फ ओनरशिप से काम करेगा तो वो अपना बेबी समझ के उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करके देगा. तो वही मैं अभी भी हमारी टीम के साथ में रेगुलरली चलता है. तो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको 100% अचीव करके देगा ही सही, क्योंकि वो उसी का काम है, मैंने सौंप दिया है उसको. अब मैं तो वो नहीं कर रहा है टाइमली, तब क्या होता है? इन केस अगर टाइमली वो रिजल्ट ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन इन केस अगर ऐसा कोई ऑपरेशन है जहां पर दिक्कत आ गई है, अब वो टाइम पे अचीव नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम लोग सब इन्वॉल्व होके. और देयर आर टू रीजंस, वन इज कि कोई टेक्निकल रीजन है जिसमें सब इन्वॉल्व होके सॉल्व कर देंगे. देयर इज वन ह्यूमन एलिमेंट कि भाई वो लेजी है, लापरवाह है, नेग्लिजेंट है. तो वो मैंने बताया ना, टीम को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो लेजी है तो वो उस टास्क में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, या फिर जेन्युइनली कोई रीजन है कि वो कर नहीं पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर अलग से डिवाइड होगा. नहीं तो उसे मतलब इट कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी इजीली कि ये पर्टिकुलर टास्क है. ऑपरेशंस में या ग्राउंड ऑपरेशंस में ये जनरली हम लोग सेंस कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर मतलब टीम में 6 मेंबर हैं, तो 6 में से कौन कितना कैपेबल है किस टास्क के लिए, उसके हिसाब से टास्क डिवाइड. तो ज्यादा कैपेबल को ज्यादा काम करवाते हो इस कंडीशन में, है ना? ओके, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. उसको अपन कभी साइंटिफिकली अलग से डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा मैटर है. बट एक ये जरूरी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने रेज कर दिया कि हायरिंग के टाइम पे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो बंदा किस एनर्जी से काम करेगा. यदि उस लेवल की एनर्जी अगर लो आ रही है हमारे पास में, हायरिंग के टाइम पे दिख रहा है बंदा लो है, हां, तो वी शुड नॉट हायर हिम एट ऑल. Give me 3 tips that you would like to give to the young entrepreneurs जो अपने जीवन में तुम्हारे जितना करना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो तुमने कर दिया. मेरे हिसाब से किसी को भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है या स्टार्टअप करना है या जो भी अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, सो बेस्ट थिंग इज कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर आइडिया एंड स्टार्ट विथ स्क्रैच. मीन्स सबसे पहले आप मार्केट में आ जाओ, एक चीज को हाथ पकड़ लो, एक उंगली पकड़ लो किसी की भी, उसके साथ में रास्ते पे चलोगे तो अपने आप बाकी राहें मिल जाएगी, बाकी दरवाजे ऑटोमेटिक, ब्रांचेस जो है वो अपने आप दिखने लग जाएगी. लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इनिशियल डेज में, तभी जाके आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे. सो यस, यही एक मैसेज है जो कि जो भी लिसनर्स हैं या जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए. वेरी नाइस, स्टार्ट विथ स्क्रैच. जीसस बोलते थे इसको, जीसस यूज्ड टू से दिस दैट इफ यू वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, बिकॉज अदरवाइज जब आप गिरोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप संभाल क्यों नहीं पा रहे हो चीजों को. वो बहुत बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज है. मींस जैसे अगर मैंने LoadMee 2016 में स्टार्ट किया और मेरा तभी थॉट प्रोसेस होता है कि मुझे डी मार्ट के साथ एसोसिएट होना है या वॉलमार्ट के साथ एसोसिएट होना है, तो आई थिंक दैट वाज अ फुलिश आइडिया स्टार्टिंग फेज, बिकॉज ना मेरे पास में वो मैच्योरिटी है ना उसका एक्सपीरियंस है. तो वो जो 3-4 साल मैंने गेन किया वो एक्सपीरियंस, वो वहां पर जाके एज अ फ्रूट मुझे हाथ में मिल रहा है कि हाँ मेरी रूट्स स्ट्रॉन्ग थी इनिशियल से, और वॉलमार्ट में मुझे विदाउट एक्सपीरियंस एंटरटेन नहीं करता. ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू. सो आइडियाज नेवर कम फुली फॉर्म्ड, है ना? ज़करबर्ग जैसी बात, हाँ, बिकॉज उस टाइम में आप कुछ भी कर रहे हो, धीरे 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 4 साल वो आइडियाज है ना एक दूसरे के ऊपर होते गए एंड देन दैट बिकम अ कंप्लीट पैकेज फॉर वॉलमार्ट. इसी तरीके से आज हम लोग 10 सिटीज में लाइव हैं. इंदौर के अलावा भोपाल, वापी, कोटा, रायपुर, ग्वालियर, आगरा एंड जीरकपुर, सभी जगह. वेरी नाइस. ट्राई टू फॉलो दैट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो बनता है ना. मतलब तुमने मेरी किताब नहीं पढ़ी होगी, मतलब आई डोंट थिंक कि तुमने वो नॉवेल पढ़ा होगा, but I have written a novel that is called Spiritual Sutras of Success. उसमें मैंने एक शक्ति चक्र करके एक थ्योरी एक्सप्लेन करी है, उसको पढ़ना. You can get it from Amazon and Flipkart, everywhere it is available. Okay. उसमें that will tell you how to use the geography as a strength. Okay. So geography as a strength is something that will especially work in your business because you are on road, na? Your vehicles are on road. So yes. Your profit, your loss, everything comes from that geographical play. Hmm. Usko agar if you use in your business, that will really work. So this was a nice talk, sir. Saurabh ji, you are doing really good job. I want you to become market leader like Ola in logistics. Thank you so much, sir. Means I remember your message now also. Last year आपने 28 फरवरी को ही किया था, नहीं 26 या 27 फरवरी को एक ग्रुप पर मैसेज किया था, व्हाट्सएप ग्रुप पर कि I am seeing Saurabh from LoadMee to become a 100 share company. I'm sure you will become. मतलब मुझे डाउट नहीं है, अगर तुमने कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल एरर नहीं करी जी. देखो मैं वो भी बता दूं कि 3 एरर हैं जिस व्यक्ति ने मेरे को सिखाई थी उसने ये तीनों करी थी, इसलिए उसकी बहुत बड़ी कंपनी बंद हो गई. मैं उसके पास नौकरी करता था, मतलब आई टेल यू कि मैं उसका नाम नहीं ले सकता बिकॉज इंदौर में वो बहुत बड़े नाम के तौर पर अपने शहर में, और मैं उनकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए मैं नाम बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए नाम नहीं ले रहा है. बट फिर भी आई टेल यू कि उन्होंने 3 चीज सिखाई थी कि बिजनेस फेल होता है ईगो, रेकलेसनेस और ग्रीड से. इन 3 चीज को कंट्रोल कर लेना. तुम्हारे में ईगो तो नहीं आएगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट यू आर दैट वे. रेकलेस भी मुझे नहीं लगता खुद होगे. जब भी रेकलेस होने, मैं रेकलेस हो जाता था बीच बीच में. मेरा 2 बिजनेसेस 3 बिजनेसेस बिकॉज ऑफ रेकलेसनेस बंद हो गए. रेकलेस तुम तब होगे जब तुम्हारे पापा की बात नहीं मानोगे. एंड बिलीव मी, दिस इज रियली सिग्निफिकेंट. जब भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना हो ना, वाइफ और फादर 2 लोग ऐसे लोग होंगे तुम्हारी लाइफ में जिनके डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं. और अब तुम्हारे पास में अब्दे अली जैसा पार्टनर भी है. सो बिकॉज ही इज ना स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, वो अंदर से बहुत वजन है उसमें. पीपल डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स की स्पिरिचुअल वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है. आप अब्दे अली का ऑफिस में जाते हो वैसे समझ में आता है कि ये बंदा स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है. करेक्ट. इन तीनों की बात अगर आप मान लो तो आपको रेकलेसनेस नहीं काटेगी, ठीक है. एंड ग्रीड जो है वो पता है ये होनी चाहिए. तुम्हारे पास में जो एम्बिशन है ना, वो सही एम्बिशन है. मुझे इतना टर्नओवर अचीव करना ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए. मुझे ये इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि रोड पे मेरी ब्रांड का हर जगह वैल्यू दिखे और उससे मैं 10, 20, 50,000 ड्राइवर्स की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर पाऊँ. ये ड्राइवर्स जब इंटरेस्ट पे पैसा लेने जाते हैं तो 10%, 5% पर मंथ के इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं. और क्यों ले रहे हैं? माँ बीमार है, बीवी प्रेग्नेंट है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है. वहाँ ऐसी कंडीशंस में ये लोग ले लें. इनके लिए कुछ ऐसा जमा हो कि इनको इतने बुरे टर्म्स पे लोन नहीं लेना पड़े. और मैं हर बार कोशिश करता हूँ ये बताने की कि ये जिस दिन आपने, मतलब हमारी टीम जो है ना, या आवर कंपनी और आवर टीम इज नॉट लाइक आवर फैमिली, इट इज द फैमिली. ये एलन मस्क का स्टेटमेंट जो समझ जाए ना, बिकॉज तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं, किसी दिन लिस्ट बनाना, मैंने बनाई थी, उनमें से 90% रिश्तेदारों से कभी ना तुमने 10,000 रुपया उधार लिया होगा ना 10,000 रुपया उधार दिया होगा. 90%, 95% लोगों के साथ. पर ये जो आदमी है ये तुम्हारा दिन भर काम कर रहा है और तुम्हारे को दिन भर कमा के दे रहा है. तो तुम्हारी लाइफ में रिश्तों की जो सिग्निफिकेंस है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारी टीम की सिग्निफिकेंस हो जानी चाहिए. करेक्ट. एंड वंस दैट हैपेंस कि मेरे को मेरी टीम के लाइफ में वैल्यू. अब सोचो कि 10,000 ड्राइवर्स हमारी लाइफ में, हमने उनकी लाइफ बेटर कर दी तो 10,000 परिवारों की लाइफ बेटर होगी. तुम ऑलरेडी 2,500 कर चुके हो एंड यू आर सो यंग, तो यू कैन प्लान फॉर अ मिलियन. ठीक है. 100%. That's the impact that we can all create. Actually, it's all about impact because money is the byproduct of work what you do. True. And when you are planning to create such big impact, मुझे सतगुरु का एक स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू में सतगुरु बात कर रहे थे एंड ही सेड कि जब मुझे एनलाइटनमेंट हुआ तो आई थॉट कि मैं अब दुनिया को ये सिखाऊंगा एंड आई हैड अ प्लान कि 2 साल में मैं पूरी दुनिया को समझा दूंगा व्हाट आई एम, हाउ टू लिव लाइफ प्रॉपरली, एंड अभी तक मैं सिर्फ 100 करोड़ लोगों तक पहुंच पाया हूँ नाउ। एंड ही वाज द पर्सन हु वाज देयर, ही सेड वाओ, तो वो बोले डोंट वाओ ऑन माय फेल्यूअर्स बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड व्हिच इज 750 करोड़ पीपल, 7.5 billion guys, and I've touched only 1 billion lives. But when you have a plan to touch 7.5 billion lives or 8 billion lives, and even if you just earn 1 rupees or $1 from them, you'll be an 8 billion guy. And if $1 comes to your home in the entire life from one person, you're going to have a net worth of 8 billion when you die. You don't use that much money ever in your life. It is all about impact. Correct. Okay. So it was a pleasure to talk to you, Saurabh. In any case, you want strategic support from our side. अभी we are going to bring a lot. अब मैं पूरा का पूरा बिजनेस वर्चुअल कर रहा हूँ मेरा। Okay. मेरा सारा काम जो अब मैं क्रिस्टल आईटी पार्क में जितना बैठता था या मिलता था उससे ज्यादा मैं अब ऑनलाइन मिलूंगा और बैठूंगा। Okay. And then I'll be able to connect you all guys. We are developing a course also, which your kind of guys can buy, and the guys who want to start they can buy. So we have 3 levels of this course. उन courses से ये है कि कई बार क्या होता है कि हम business शुरू करते हैं and we build it like जो हमारे समझ में आता गया हम उसको जोड़ते चले गए. But there is a science of business also ना. 20% लाइफ में या business में science impact करता है. 80% तो business is an art, which is your job. But there is this 20% thing. If you do it wrong, if I do it wrong, I'll fail. If you do it wrong, we'll fail. You'll fail. It is as simple as that. तो हम उसमें बहुत सारा knowledge है, which I want to bring in that course. मैं continuous उसमें कुछ ना कुछ add करता चला जा रहा हूँ. अभी तक तो we have not launched even. Planning to launch in March. And then there is second thing, that is network. We are developing a worldwide network of entrepreneurs. मैंने अभी कैलकुलेट करा था तो मुझे लगा कि मैं अगर ऐसे पॉडकास्ट करता रहा तो आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माय ऑन लिस्ट इवन इन माय लाइफ। मेरे पास 11,600 दिन बचे हैं और मेरे पास में करीब करीब 60,000 एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनसे बात करना है। तो दैट विल बी लाइक उसका कोई ऑटोमेटेड फॉर्मेट बनाएंगे लिंक्डइन जैसा, एंड देन यू कैन ऑल एसोसिएट। मुझे एक मॉडल बहुत अच्छा लगता है BNI का। I don't know how I'm going to play upon this BNI model, BNI and LinkedIn model का combo बना के उसके साथ में knowledge associate करके I've devised a model for myself. तो अगर in any case you feel like कि तुमको मेरी जरूरत है तो I'm always there, but I'm more available now online than offline. ठीक है? Always sir, means आपकी presence, आपसे जब भी guidance लगेगा तो anytime already मैं आपको reach out करता था और ज़्यादा करूँगा. हाँ, whenever you feel like, okay. It was a pleasure to see you growing, and I'm expecting you to become $1 billion company soon. Thanks for your blessings, sir, and thank you for inviting once again. It was a pleasure to have me here. Thank you, and the best part I like about you are still bootstrapped. Yes. I'm not. हम लोगों ने अभी last year seed round raise किया है. हाँ, पर वो I believe बहुत late, मतलब 3 साल बाद करा है ना। How much you diluted in that? 6 साल बाद क्या है इसमें हम लोगों ने SISF का 30 लाख रुपीस का SISF लिया है on OCD. Okay. State Fund Investment from Startup India और 15 लाख रुपीस का एंजल इन्वेस्टमेंट किया है। तो dilute कितना करना पड़ा? जो स्टार्टअप इंडिया से लिया वो तो कन्वर्टेबल नोट पर है और जो यहाँ पर डाइल्यूट किया है वो अराउंड 2% हम लोगों ने। वेरी नाइस। हियर अगेन वन मोर टिप, बिकॉज खत्म कर दिया उसके बाद अब आई डोंट नो मेरी टीम इसको एडिट कैसे करेगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट नहीं करना है जब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बन जाता है। डाइल्यूट करना ही है जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और वो प्रोडक्ट और इनोवेशन ऑफ द न्यू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट के बीच की स्ट्रेटेजी में 4th 5th लेवल पे जब हमें, तब हमेशा 10 से 20% के बीच में डाइल्यूशन ले ही लेना चाहिए। उससे क्या होता है हमारी जो फ्यूल जो हमको रिक्वायर्ड है, बिकॉज अब बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश हो चुका है, सर्विस मॉडल एस्टेब्लिश हो चुका है, प्रोडक्टाइज जो सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड है, प्रोडक्ट मार्केट में है, आपका चल रहा है, यू आर अर्निंग थ्रू दैट। अब आप किसी का भी पैसा डुबा दोगे इसके चांसेस बहुत कम है, और तब आप एक जेन्युइन मार्केट में सिर्फ इसलिए 10-20% डाइल्यूट करें क्योंकि ए आपको स्पीड दे देगा वो फंड जो आपके पास आएगा, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू एक्सपेंशन। लोग बोलते हैं मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बात करता हूँ, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बात नहीं करता, मैं अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट लेने के अगेंस्ट हूँ। दूसरा चीज, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टेज में लेना हर बंदे के साथ चीटिंग है, इन्वेस्टर के साथ चीटिंग है, खुद के मॉडल के साथ चीटिंग है, क्लाइंट के साथ चीटिंग है, टीम के साथ चीटिंग है। दूसरा बेनिफिट इस स्टेज पे आके इन्वेस्टमेंट लेने का ये होता है दैट यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ऑन योर कंपनी। करेक्ट। जब आपके पास में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आ गया और वो बंदा आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर सिर्फ कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए नहीं बट कंपनी को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, और उसका नॉलेज, उसका नोहाउ, बिकॉज उसके पास पैसा भी था, उसने कमाया भी था, उसको जानता भी है बिजनेस, और उसको बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी है मार्केट में, तो वो सब जब वो लेके आता है तो दैट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ स्पीड टू योर कंपनी। तो इसी टाइप का इन्वेस्टमेंट रेस किया हम लोग। हमारे जो एंजल इन्वेस्टर है इज फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, फ्रॉम मुंबई। Okay. तो उनका फंड है हमारे पास में, और आगे भी उनका कमिटमेंट है कि जो भी लगेगा आई विल अरेंज और आई विल गिव माय कॉन्टैक्ट्स टू यू टू ग्रो योर मार्केट इन मुंबई एंड अदर टियर वन सिटीज। वेरी नाइस। तुमको कभी भी ये फंड वाले पार्ट में भी मैं बता दूं, और मैं बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स को भी जो मेरे से जुड़े अभी तक बता दूं कि साल में 2 बार हम लोग हमारे कोर्ट में वैदिक इन्वेस्टर समिट के नाम से इन्वेस्टर समिट करेंगे, वो वर्चुअल और फिजिकल मतलब हाइब्रिड फॉर्मेट में होगी। जितने लोग हमारे कोर्सेज में हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने हमारे कोर्सेज में नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जब वो लॉन्च होगी पर जितने हमारे लोग कोर्सेज में उनको कोई फी अलग से नहीं देनी, उनको सिर्फ वो जो परसेंटेज या जो फीस होगी उसमें डिस्काउंटिंग रहेगा एक्चुअल में, और बाकी लोगों को एक्चुअल फीस देनी है। वैदिक इन्वेस्टर समिट हर 6 महीने में करेंगे हम। करने की ज़रूरत ये है कि बहुत सारे लोग एलिजिबल टू गेट फंड्स हैं, बहुत सारी जगह भटक जाते हैं, फंड्स के चक्कर में बहुत सारा पैसा, टाइम, एनर्जी खराब करते हैं, बिजनेस करने के बजाय फंड के पीछे चेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे 500-700 बड़े इन्वेस्टर्स के साथ में 150 करोड़ का एक मैं फंड मतलब एक क्लब बना दूंगा इन्वेस्टर्स का आने वाले 6 महीने में, एंड देन वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ दिस थिंग। तो इफ एनीबडी वांट्स टू हैव फंड इन नेक्स्ट 6 months ही कैन जॉइन अस एंड वी कैन एक्चुअली हेल्प हिम इन जनरेटिंग फंड्स प्रोवाइडेड ही फॉलोज आवर स्टेप्स। इफ ही डजंट देन हमारा फॉर्मेट सीधा है, हम आपको ट्रेन करेंगे, 6 महीने ट्रेन करेंगे, इन्वेस्टर्स के सामने आपका प्रेजेंटेशन है, आप उस डेमो डे पे निकाल जाते हो, पैसा निकाल पाते हो निकाल लो, नहीं निकाल पाते हो इट इज योर प्रॉब्लम। हमने वो सारे क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स की कंसर्न थे उनके बेस पे कोर्स बनाया है एंड वी आर ट्रेनिंग यू फॉर दैट। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है, एंड इफ समबडी वांट्स टू हैव फंड वो हमारे से एसोसिएट हो सकता है, हम हर 6 महीने में उसको एक मौका देंगे, एंड ही डज नॉट हैव टू, दुनिया में कहीं हो वो अपने घर से बैठ के फंड रेज कर सकता है, ही जस्ट हैव टू फोकस ऑन हिज बिजनेस। ग्रेट ग्रेट, दैट इज द आइडिया आई हैव डेवलप्ड। चलो लेट्स मीट समडे, इट वाज प्लेजर टू टॉक टू यू सौरभ। ठीक है, डेफिनेटली सर, या वी आर सीइंग यू टू कम अप रियली रियली बिग सून। थैंक्स थैंक्स थैंक यू सर, बाय बाय बाय।